बताने जा रहे हैं दिल्ली की खास रेसिपी, जो स्ट्रीट फूड भी है और आपको जगह जगह मिल जाएगी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा चना चाट, जो दिखने में जितनी स्पाइसी है खाने में उतनी ही टेस्टी और टेम्पटिंग है। इसे बनाइए, खाइए और अपने कमेंट्स मेरी अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चना चाट बना रही हूँ मैं आज, और चना चाट के लिए चना मैंने 1 कप चना 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और उसको मैंने कुकर में डाल के पानी डाल के नमक डाल के 2 सीटी आने तक उबाल लिया है। ये एक टमाटर है और इस टमाटर को मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज के बॉयल पोटैटो हैं और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। मैंने ऑनियन लिया है, 2 छोटी छोटी ऑनियन को चॉप करके बारीक काट के रख ली। मैंने खीरा लिया है, 1 खीरे को छोटे छोटे स्लाइस में काट के रख लिया। ये 2 छोटी हरी मिर्च ली है और इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। धनिया पत्ता है, इसको मैंने साफ़ करके कट कर लिया है। ये आधा टेबल स्पून नींबू का रस है और इसको मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करके इसके बीज अलग कर दिए हैं। आइए मसाले देख लेते हैं। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये वाइट वाला नमक है, ये काली मिर्च है, ये चाट मसाला है और ये काला नमक है। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले अपने बॉईल किए हुए कट किए हुए आलू डाल दूंगी, उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी, उसके बाद इसमें खीरा डाल दूंगी, इसके बाद इसमें हरी मिर्च, इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, हमारी जो कट किया है वो प्याज डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि अब आती है मसालों की बारी, क्योंकि मसाले इसका टेस्ट बढ़ा देंगे और हम ये सारे मसाले इसमें एक साथ मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिलाना है क्योंकि हमारा जो चना है वो पहले ही बहुत ज़्यादा बॉयल हो और वो घुट ना जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स कर। देखिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारा नींबू का रस। ये 1/2 चम्मच नींबू का रस था। और उसके बाद इसमें हम डालने जा रहे हैं धनिया पत्ता। इसको हम थोड़ा बचा के रखेंगे, बाद में गार्निशिंग में हमारे काम आएगा। और अब हम इसको सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये हमने चाट डाली और ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा आलू, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा खीरा डाल के इसको हम गार्निश करेंगे। और ये हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू, बाय।